अस्पताल में मुझे कि कहे से गए थे आप एम्बुलेंस से कि किसी अपने साधन एम्बुलेंस टाइम से नहीं हुई एम्बुलेंस आधा घंटे 35 मिनट बाद आई है 45 मिनट क्या पहले आई ना फिर बात डाला कहीं तो फिर उठी आई जाती है एम्बुलेंस आई 9 बजे बहन जी चिंता न करो हम लोग आए हैं इसकी घड़ी में भगवान को हिम्मत दे ताकत दे और हम लोग बता करेंगे ये निशाद निषाद है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से। उम्र कितनी थी अमर? 50। हम लोग मांग के 50-50 लाख 50-50 लाख मौजूद दिया जाए और सबको आवास और खेती दी जाए। देख देख अंदर अंदर वाला जीवन कौन खत्म हुआ है मोबाइल नंबर है आपका? ये तीनों एक लोगों का नंबर लिखा है। लड़ेंगे आए मुख्यमंत्री जी सीधे एक दूसरे घर होते घर किसी के नहीं गए देखते रास्ता रास्ता गए इधर खड़ी हुई इधर ए माता जी चाची इधर आ जा इधर 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 इन्हीं की लड़की पक्का मकान नहीं तुम्हारे पास आवास नहीं मिला यानी हमने मांग की कि सबको आवास मिले और 50-50 लाख का मुआवजा मिले सभी को जमीन मिली इन्हीं की लड़की है। अगर सहयोग हो सके आपकी बस की हो सके हमारे साथ पुलिस प्रशासन यहाँ की सत्ता की बात हो रहा था और मेरा नाम संजय निषाद है। इनकी पत्नी खत्म हुई आपकी पत्नी खत्म हुई नहीं हमारी भाभी 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 और दो बच्चे क्या नाम भाभी भाभी का नाम है भाभी का नाम है विनीता उनके दो बच्चे शिवम और कितनी उम्र थी भैया 8-9 साल 7 साल की भाई क्या नाम आपके कल्लू 7 साल 6 साल का एक होगा बच्चा एक का हो 5 का हो या 4 का बच्चों को शिवम और सांगी नहीं 5 साल का नहीं 4 साल का होगा एक 6 साल का चलिए 19-20 होगा 4 साल का होना है बिटिया है 5 साल और लड़का 6 साल का होगा लड़का 6 साल का क्या क्या मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर नरेश उत्तम पटेल जी को दिया गया है फिर भी आप नंबर ले लीजिए उन्हीं से बात हो रहा था जब आप बात हो रहा था तो नंबर लिखे 7880 31 80 31 0 904 काल जब हमें सूचना मिली एक बिटिया थी बगल से ये गाड़ी से चटक के बाहर गिर गई इसके पास फ़ोन था फ़ोन किया चाचा जल्दी आ जाओ यहाँ पुलिस है लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही है आप ट्रैक्टर एक्टर लेके आओ और सब लोग मर जाएंगे तुरंत आओ तो जैसे उसने फ़ोन किया हाँ और पुलिस वहाँ वीडियो बना रही थी कि क्या हो रहा क्या नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से सब लोग ट्रैक्टर पे भर के आदमी गए और ट्राली पे सरिया फांस के उसको ट्राली को सीधा किया जब सीधा किया सब लोग घुस के लाशें जो आए जो जिंदा व्यक्ति थे उनको निकाल निकाल के बाहर रखते थे प्रशासन कोई मदद नहीं सिर्फ
दो सिपाही, एक सिपाही पुरानी था, एक राठौर था दरोगा, जो हल्का इंचार्ज था, वो तीन आदमी दिल खोल के मदद कर रहे थे। फिर उसके बाद वो बाहर निकलवाए, फिर उनकी कोई गलती नहीं। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सर मुझे गाड़ी दीजिए, जिंदा है 8-10 लोग, उनको ले जाए 80-80। बोले गाड़ी नहीं मिलेगी, अपनी अपनी गाड़ी पे ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी थोड़ी है। तो हम लोग बाइकों से उनको लाद के सीएससी ले गए। वहाँ पर देखा तो वहाँ कोई ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था, ना कोई मतलब कोई ग्लूकोज, कोई व्यवस्था ही नहीं। दो बच्चे तो हमारे सामने ऐसे थे कि वो शायद जीवित हो जाते हैं। जब वो बच्चे आधा घंटे तड़पते रहे, बोले एम्बुलेंस रिफर करे, लेकिन मदद कुछ नहीं हुआ। अरे मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कितनी उम्र थी? लगभग 16 साल। चलो पिताजी जी का नाम? शिव नारायण। मोबाइल नंबर चाची है, नंबर बता दे। मंत्री थे निकलने की औरतें शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय आवास नहीं, चला गया, हो गया, शौचालय नहीं, विश्वास जमीन है, भूमि भूमि इन मजदूर है, वो चीज सब यहाँ के सामने से बैठ के आप लोग खोला जी। अभी लगभग 35 साल होगी। आपका नाम? सबके अपने बोलने की हिम्मत नहीं है, सब लोग आते हैं पर लिख के चले गए। और दूसरा बच्चे का नाम, बच्चे का नाम लिखिए, बच्चे का नाम, बच्चे का नाम रोहित, रवि, 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 हाँ चलो रोहित, रवि लिखो, रवि लिखो। उम्र? उम्र 7 साल। 7 साल कल्लू का नाम उम्र कितनी है जिसमें? बना लेना 50-50 लाख मदद दिया जाए और पक्का मकान एक दिया जाए, खेती दिया जाए, ये मांग किया कि लिखे थे। हाँ नहीं ठीक है, अपने समाज के दुख में तुम्हारे साथ आए, बुराई के लिए आए, उन्हें मदद कराएंगे, वही लड़ाई दिल्ली तक लाएंगे। जी जी और कहने के गलत हो गया? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया मंत्री यहाँ राम शंकर। पिताजी का नाम? आप भी उसमें ट्रैक्टर में थे आप? हाँ ये जो है ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये चंद्रीगंज से आ रहा है घर में, और घर में आने के बाद मैं साड़ के इधर निकल जाओ जब, तो बिल्कुल साढ़ नजदीक नहीं करता, 200 मीटर में करीब अदस्ता हुआ तालाब में, ताली पलट गई। क्यों, कोई वाहन सामने से आ गया था कि? नहीं नहीं कुछ नहीं, कहा बताओ जब देखे, चलिए कोई वहाँ देखा तो नहीं। तो उसमें आपकी पत्नी दमदेव, क्या नाम था पत्नी का? रानी। रानी, और कुल ताली में कितने थे लोग? करीब रहे 45 लोग करीब। 45 लोग? 45 में कितने घायल हैं? कितने? अरे मान के चलो 28 आदमी तो बिल्कुल दर्म मरी गए, 28 मतलब मरे ये मिले हैं। और इसके बाद में कुछ मतलब जो है साबुत अपने मन के बची गए, मतलब इधर उधर चिटिक के जो गिरे तो अपन बची गए, और कुछ आदमी यही से जो 4-6 अपने
अस्पताल में भर्ती ना कुल कितने खत्म हुए आज तक के 28 28 और बाकी लोग कुछ घायल है 8-10 घायल है हाँ। बाकी लोग चिटक के गिर गए हाँ, आपकी भी चोट आई हाँ, तो आप अस्पताल ले गए थे हेलमेट ले गए नहीं नहीं कहूँ नहीं खा लो ठीक थे ना बाजू जब उनके वो क्रिए ये तरीका है ना कभी कब दिख लीजिए सबसे बड़ी तो स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही है। कुल मिला के पुलिस प्रशासन जो है वो भी अपनी जगह में ही सर आएगी। अब हम कहा बताऊँ दूरी ले वीडियो बना रहे ना थारे के मतलब मदद नहीं कर रहे ना 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 क्यों मैं एक पुलिस कार आदमी रहा है बाकी सब बाहर जो हल्का इंचार्ज था वो जो है तो वो वर्दी पहने पहने कूदा था एक बस वही एक हल्का इंचार्ज जो था बस एक वो आए केवल मेहनत क्या डिमांड है आपकी क्या मांग है आप लोगों की हमारी कहा मांग है भाई हम लोगों तो अभी मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो मृतक के परिवार हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए सबको आवास दिया जाए और जो जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी हर तरह से हर संभव मांग की है जो जमीन मतलब कृषि की जमीन दी जाए ये हम लोगों की बात रखते हैं अपनी तरफ से आया हम रहते हैं बांधा रहते हैं दिसंबर के मिल ले सब लोगों से मिल ले आप लोग दुखी घड़ी में आए हैं कोई ऐसी दुर्भाग्य की घटना हुई माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए यहाँ देखे गए कोशिश होगी बात तो पूरी हो रही है उनकी आत्मा शांति मंत्री जी यही प्रार्थना हमारी कौन खत्म हुआ आप कहते हैं इनकी पत्नी क्या नाम था प्रधान जी मोबाइल नंबर यही है क्या नहीं हम आए थे हम तो घाटम पड़े भगवान आपको सबके घर में हिम्मत दे सबसे गरीब आदमी समझो परिवार 30-30 लाख 30-30 हजार रुपया दे दे कानूनी बन गई है हमारे नैया तो नहीं नंबर 97-93 84 हमने लिख दिया बहुत ही गरीब चले हम अखिलेश यादव से कह के पूरी बात करेंगे हम लोगों से मांग की 50-50 लाख का मुआवजा मिले और सबको पक्का आवास मिले और जमीन किसी की जमीन मिले हाँ भाई इतना कर दे तो बेचारा जिंदगी समझ गई अच्छा बड़ा के साथ क्या नाम है माता जी क्या नाम बेटा पापा का नाम क्या चले पूरी बात कराएंगे हम लोग मांग के 50 लाख मोबाइल नंबर है बताओ थोड़ा नोट करो 73
3000 उनके यहाँ पूरा परिवार है, छह आदमी मर गए। कोई देखने वाला नहीं है, बताओ इनके रखो, उन भी आओ करिए। सब लोग आए हैं, बिरादरी के हैं, समझे, बिरादरी साथ ही हैं। सब मदद होगी, माननीय मंत्री जी सब कुछ करवाएंगे, इसीलिए आए, घर जा रहे हैं। वो आए थे योगी जी, आप यहाँ पूछ के चले गए, नहीं चाहते वो अपना वीडियो बनवा रहे, जितने मीडिया लेके आए, लोकल मीडिया उसने नहीं दिया, वो मीडिया अपनी लाए थे और जो हिसाब से बनवा रहे थे कि वो दिखाई दे न्यूज में योगी जी घर घर जाके मिल रहे हैं, ये सिस्टम था। लोकल मीडिया मार मार के बाहर सब कर दिए, तो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, आप लोग बेटा चिंता ना करना, नंबर है इनके पास, नंबर है इनके पास, कई लोगों को संजय संजय के पास है। क्या नाम था उनका? डॉक्टर आप लिखा नाम लिखा है, देखिए हमारे एक लिखा है बिशुनला इलाज के अभाव में, पंचायत गर्मा का फोटो का भी गर्मा जाके नहीं करा जा सकते हैं। एक बार देखिए पंचायत घर में नहीं, सब घर में जाइए, जिसको जो चाहिए वो लेके आइए। पंचायत घर में क्या व्यवस्था है? वहाँ लंबरदार बैठे हैं क्या? तो आम लेके जाए, यहाँ दिक्कत है, घर में जाइए, ले जाइए। वहाँ फोटो कापी की जरूरत है, वहाँ से यहाँ से उठी तो पंचायत घर में जाने की क्या जरूरत है? बैठिए आगे, हमारे समाज में हम लोग सब इकट्ठा होकर बोलते हैं, पंचायत को घर में आकर के ले हो ना, घर में आकर मशीन खड़ी होगी, सिपाही नहीं गुजरे थे, सिपाही खड़े थे, जब मशीन मेरे घाट की मशीन कहने भेजी, वो मशीन थाने के बाद आई, वहाँ भीतर गाँव तो मशीन नहीं, फिर सिंह कुर्ते गए तब तक 40 ही हुई रहा है, वो अगर थाने वाली मशीन आ जाए तो सब आदमी बच जाते। देखेगा बस किसी से नहीं पूछा, अच्छा चकमा दे क्या लगता है तुम लोग वहीं रह गए? गार्जियन कोई नहीं था, गार्जियन कोई नहीं था, बताया नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सब इकट्ठा हो सकते, किसी घरे नहीं गए, चलिए पूरी बात करें, ठीक नंबर हमारे इसके पास नहीं है, ये है इसके पास, चलने के पास नंबर लेगा, कोई भी दिक्कत हुआ एनी टाइम फोन करो, ठीक है, काम करवा दो, नाम खिलाम नहीं जो खत्म का जो बच्चे का नाम, बच्चे का नाम अंजलि शिवानी उमर पिताजी का नाम राम खिलाम, तो उम्र लिखे तो स्वर्गीय राम एक लोग बोले मंत्री से आप लोग परिचित हैं? नहीं हम तो जानते हैं, हम जानते हैं इनको अच्छी तरह से, नहीं चौली जाते रहे हैं ना, बहुत बार आए चौली, डॉक्टर संजय निषाद को आना चाहिए रहा है, कोई तो देखे नहीं है, हम तो उनसे परिचित, कोई मंत्री है उनको भी आना चाहिए था, साथ है जो आपके हमदर्द है वो आपके बीच है, वो तो सर है, चलो सर इतने सहयोग बहुत अच्छा है, दर्शन हुए मान लो दोनों भाइयों के, दोनों भाइयों की लड़की है, सगे भाई के घर भी, हाँ सर एक घर है, दोनों भाइयों के हैं, दोनों भाई कार्ड की हवा हवाई चल रही है, सुनीत चल रही है, तो आवास मंत्री जी इनके बन पाए अभी सबके शौचालय सबके मकान बन गए, कुछ नहीं खड़े हैं,
सरकार योगी जी आते तो आए और देख करके गाँव में अपने चले गए। अरे वो बेचारे होंगे भोले वाले हम लोग आए नहीं तो हम लोग हमने मांग की कि 50-50 लाख दिया जाए और सबका आवास दिया जाए और खेती जमीन दी जाए रहने के लिए। मीडिया के माध्यम से मांग किया है नहीं सब पर वही भाई लड़ाई यहाँ से लगाए दिल्ली तक लड़ेंगे। अपनी साथ है हमारे दो लोग। हाँ मालूम है तो रिश्तेदारी उधर खन्ना साइड में साड़ू गई है हमारे साड़ू हम खन्ना के रहने वाले साला है दीपू हमारा। अच्छा इधर हमारा आना जाना कब रहा ना? इनकी वाइफ निसार छज्जू निसार काम के आप वो आपका लिवा लेंगे ना समझो सामने को सेटिंग हुई थी कि तुम इस कायना को बस टाइम से तैयार हुई थी यहाँ मोबाइल नंबर कितना चाहिए पचास के मोबाइल नंबर आप बता दे। चलो सबके चलो सबके नहीं होते के नाम बताओ कल्लू वीडियो का नाम रिया 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 डाल दो पोस्टर रिया। पापा का नाम क्या है? रिया की राजू वही ड्राइवरी कर रहा था हाँ इसी लड़का वाइफ भी खत्म हो गई है ना राजू की भी जानकारी थी वाइफ भी खत्म हो गया नहीं नहीं अभी तो वहाँ वाइफ नहीं है अस्पताल में अस्पताल में राजू राजू मारे डर के भाग गया घायलों का हाँ बच गया वो पर भाग गया हमारे डर।